पिछले वीडियो में हमने सब्सिडरी बुक्स के प्रकार, सब्सिडरी बुक्स की फॉर्मेट देखे थे। अब हम आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो बेसिक्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं वो क्या क्या हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब्सिडरी बुक्स। Before moving to problems, it's important to know basics of how to solve them. कुछ basics हैं जिनको कि solve किस तरह से किया जाता है, उनकी जानकारी प्राप्त करना पहले ज़रूरी है। पहला है opening entries. Opening entries are used at the beginning of the financial year to open the books by recording the assets, liabilities and capital appearing in the balance sheet of the previous year. जो opening entries हैं हम अब तक पढ़ चुके हैं, जो प्रारंभ में जो बैलेंस होता है, प्रारंभ में जिन मदों का जो है कंपनी के साल के शुरुआत में प्रारंभ में जो रखी हैं चीज़ें, जो मदें हैं, उन मदों को किस तरह से उनकी एंट्री की जाएगी वो हम देखेंगे। जो सभी हैं उसके अंदर सभी आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, असेट्स आ जाएगी, लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, कैपिटल हैं बैलेंस शीट में जो आपने पिछले साल की हैं, उन सभी की सबसे पहले प्रारंभिक प्रविष्टियां की जाएंगी। तो सबसे पहला उदाहरण है, मिस्टर रामनाथ कमेंस्ड बिजनेस विद द फॉलोइंग आइटम, मेक द ओपनिंग एंट्रीज इन जर्नल प्रॉपर एज ऑन 1 जनवरी 2003। कैश दिया है 30,000, ये 1 जनवरी को वो है ओपनिंग एंट्री किस तरह से करेंगे, और 1 जनवरी को ये बैलेंस बताया जा रहा है। तो कैश है 30,000, स्टॉक है 15,000, फर्नीचर है 3,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स है 10,000। अब इसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट के कॉलम में सबसे पहले आप ईयर लिखेंगे और डेट January 1st। देन सबसे पहले हम दिखाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड टू कैपिटल अकाउंट। कैश आपका 30,000, स्टॉक आपका 15,000 एंड फर्नीचर है आपका 3,000, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 10,000 एंड कैपिटल है 38,000। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद असेट्स एंड लाइबिलिटीज, बिजनेस की वर्ष की शुरुआत हो रही है इतने 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 अमाउंट से। अब क्लोजिंग एंट्रीज, ये तो हो गई वर्ष के प्रारंभ में जो बैलेंस बचा है उनकी एंट्री हमने किस तरह से करनी है। अब जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं उसको भी हम देखेंगे। क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर फॉर क्लोजिंग अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। दीज अकाउंट्स आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है आपका एग्जांपल, सैलरी पेड 15,000, गिव द क्लोजिंग एंट्री एज ऑन December 31st। कैसे होगी एंट्री आपकी, क्लोजिंग एंट्रीज के लिए सबसे पहले अपने डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट में हमने ईयर लिख दिया और December 31st। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका आ जाएगा सैलरी अकाउंट, क्लोजिंग एंट्री फॉर सैलरी पेड 15,000 एंट्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री, एडजस्टिंग एंट्रीज टू अराइव एट अ करेक्ट फिगर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस।
Certain accounts require some adjustments. Entries for making such adjustments are called as adjusting entries. These are needed at the time of preparing the final accounts. जिस तरह से final accounts बनता है उस तरीके से adjusting entries की जाएगी. Provide depreciation. Provide appreciation on furniture 1 lakh at the rate of 10% per annum. Give adjustment entry as on December 31, 2003. अब वैसे तो depreciation आपका लिखा 1 लाख का कितना 10% हो जाएगा 10,000 rupees. और अब हमें डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करेंगे तो फर्नीचर होगा क्रेडिट एंड डेप्रिसिएशन होगा डेबिट. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 10,000 rupees. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 10,000 rupees. नेक्स्ट होगी आपकी ट्रांसफ़र एंट्रीज. Transfer entries are passed in the journal proper for transferring an item entered in one account to another account. कैसे होगा? When the proprietor takes goods ₹5,000 for personal use. हम ये 11, 12 में पढ़ चुके हैं personal use के लिए कैसे drawing account debit to purchases account करते आ रहे हैं. When the proprietor takes goods 5,000 for personal use, give transfer entry on December 31st. तो क्या होगा आपका drawing account debit to purchases account goods withdrawn for personal use. ये हम 11, 12 में entries पढ़ चुके हैं लेकिन फिर सिर्फ थोड़ा सा recall करने के लिए आपको ये entries बताई जा रही है. Drawing account debit to purchases account 5,000 rupees. Goods withdrawn for personal use. Next आपकी entry है rectifying entries. ये भी 11, 12 में आप पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा recall किया जा रहा है. Rectifying entries are passed for rectifying errors which might have committed in the book of accounts. Purchase of furniture for 10,000 was debited to purchases account. Pass rectifying entry on December 31, 2003. अब क्या है कि purchases of furniture was debited हो गया purchase account में गलती से, तो हम उसको entry किस तरह से सही करेंगे. Wrong entry जो थी उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं. किस तरह से करेंगे कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये रॉन्ग डेबिट जो था टू परचेजेस अकाउंट इज रेक्टिफाइड. 10,000 से इसकी एंट्री हो जाएगी. ये 11, 12 में आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके हैं. मिसलेनियस एंट्रीज और एंट्रीज ऑफ कैजुअल नेचर. दीज आर एंट्रीज ऑफ casual nature which do not occur so frequently. Such transactions include the following: credit purchases and credit sale of assets which cannot be recorded through purchases or sales book. जो कि मदें आपकी संपत्ति से संबंधित है उनका हम परचेज या सेल्स बुक में एंट्री नहीं करते हैं. हम केवल क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स की एंट्री ही परचेज बुक एंड सेल्स बुक में करते हैं. एंडोर्समेंट रीन्यूअल एंड डिसऑनर और बिल ऑफ एक्सचेंज विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड थ्रू बिल्स बुक्स. ये सभी जो हैं वो भी इन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड में रखी नहीं जाती हैं. अदर एडजस्टमेंट्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन बैड डेब्ट रिजर्व एंड एक्सेट्रा. तो सिर्फ उधार क्रय विक्रय लेनदार देनदार बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल्स से संबंधित ही एंट्रीज की जाती हैं.